संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अभिभाषण में कहा है कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है और यह सरकार बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी हवाला दिया। बजट सत्र के दौरान मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है जहां पर गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो, और उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की भी बात कही। माननीय सदस्यगण, हमारी विरासत हमें जोड़ों से जड़ती है और हमारा विकास आसमान पर छूने का हौसला देता है। इसीलिए मेरी सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी। आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है तो वही दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया तो वही हर जिलों में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है।